नमस्कार दोस्तों, माय टेक की सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे YT स्टूडियो के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पे जो है, आप अगर YT स्टूडियो में ऑडियंस एक टूल रहता है, मतलब आप जैसे YT स्टूडियो खोलेंगे तो आपको स्वाइप करके आपको ऑडियंस वाला एक पेज दिखाई देगा। तो वहाँ पर ओल्ड बहुत सारे अपडेट है, उसमें जो किस कंट्री से वगैरह आपके ऑडियंस आ रही है ये बताया गया था। लेकिन इस अपडेट में जो दो ऑप्शन नए डाले गए हैं, तो इस अपडेट में ऐसे बताया गया है, पहले टूल में तो इसमें बताया गया है कि आपके जो चैनल पर ऑडियंस आपकी वीडियो देखते हैं उसके साथ आपके वीडियो से रिलेटेड दूसरे कौन से टॉप वीडियोज़ वो देखते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिखाई देंगे। लास्ट 5 डेज, आप लास्ट 28 डेज़ में भी उसे देख सकते हो। उसी के साथ जो नेक्स्ट है उसमें सब्सक्राइबर से रिलेटेड है, तो आपके चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं, मतलब जो चैनल पर लोग आते हैं वो अदर कौन से चैनल देखते हैं, तो इसमें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपसे रिलेटेड, आपके चैनल से रिलेटेड दूसरे कौन से चैनल पर आपकी ऑडियंस जाती है या उनके चैनल की ऑडियंस आपके चैनल पर आती है, ये बताया गया है। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो अपडेट की वीडियो शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।